सो गाइस फाइनली फ्लिपकार्ट ने अपनी दिवाली सेल को अनाउंस कर दिया और ये लास्ट चांस होगा आपके पास फ्लिपकार्ट से आईफोन्स को परचेज करने का एकदम लोएस्ट प्राइस के ऊपर, खासकर आईफोन 15 को, क्योंकि जो प्राइसिंग आपको बीबीडी सेल के अंदर देखने को मिली थी वो तो एकदम लोएस्ट प्राइसिंग थी, लेकिन दिवाली सेल के अंदर भी लगभग सेम आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद आपको कोई ऐसी सेल नहीं देखने को मिलेगी होली तक। तो अगर आप भी आईफोन लेने का सोच रहे थे स्पेशली आईफोन 15, तो डेफिनेटली इस सेल के अंदर आप आईफोन 15 को परचेज कर सकते हो लोएस्ट प्राइसिंग के अंदर। इसके साथ साथ Amazon के ऊपर भी दिवाली सेल करेंटली चल रही है और यहाँ पर भी अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है लास्ट चांस टू अवेल दिस ऑफर। सो अब आपको ये समझ आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट सेल है। सबसे पहले यहाँ पे सेल डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो दिवाली सेल फ्लिपकार्ट वाली जो वो 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसका एक्सेस एक दिन पहले ही कर सकते हो अगर आप प्लस या फिर VIP मेंबर हो फ्लिपकार्ट के, और जो फर्स्ट डे होता है सेल का उसी दिन सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइसिंग आती है। ऑल्दो हमने भी बीबीडी सेल के अंदर देखा था कि कार्ड डिस्काउंट बाद के दिनों में ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस सेल के अंदर डे वन के ऊपर ही सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेंगे। और लास्ट डेट जो है सेल की 31 अक्टूबर रहेगी, क्योंकि एक तरीके की दिवाली है तो उससे पहले ये सेल खत्म हो जाएगी। बाकी ये सेल पावर्ड बाय सैमसंग गैलेक्सी है, लेकिन आपको यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट जो है वो SBI के देखने को मिलेंगे। SBI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के ऊपर आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो इसकी लिमिट होती है ना वो क्रेडिट कार्ड की ज्यादा होती है और डेबिट कार्ड के अंदर उतने ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं देखने को मिलते। बाकी SBI के क्रेडिट कार्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। अभी सेल शुरू होने में भी टाइम है, इसके साथ खत्म भी 31 तारीख तक होगी, तो आप पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया डायरेक्ट वहीं से आपको ये कार्ड जो है वो मिल जाएगा। बाकी जब हम यहाँ पे डील्स एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले आईफोन 15 ही नजर आ रहा है 49999 का, जो कि एकदम इसकी क्रेजी प्राइसिंग होगी। ऑल्दो ये 49999 के अंदर सारे डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दोनों लगाने के बाद आपको 49999 का मिलेगा। स्टिल ये काफी ज्यादा तगड़ी डील है, बिना कार्ड डिस्काउंट के भी आपको 53-54 का मिलता है तो भी वो काफी ज्यादा तगड़ी डील होगी आईफोन 15 को परचेस करने के लिए, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने में भी आपको सेम प्राइसिंग के आईफोन 15 नहीं मिलेगा। इसके बाद एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन के ऊपर 7 से लेकर 8 हजार तक की प्राइसिंग आएगी। इसके ठीक साथ में आपको देखने को मिल रहा होगा गैलेक्सी S23, जो कि आपको 37999 का मिल जाएगा कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। और हाँ, आईपैड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ आईपैड 9 जनरेशन को डिस्प्ले किया गया 17,499 रुपीज के अंदर डिस्काउंट लगाने के बाद, और 28 तारीख को यहाँ पे बाकी के स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जो है वो रिवील हो जाएंगे। फिलहाल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आईफोन के अंदर देखो आईफोन 15 ही दिखा रहे हैं 49999 का, लेकिन अभी प्राइस ब्रेकडाउन नहीं किया कितना कार्ड डिस्काउंट और बिना कार्ड डिस्काउंट के क्या प्राइसिंग रहेगी। डील्स तो आईफोन 15 प्लस पर भी आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट रिवील नहीं किए गए। अच्छा, ऊपर की तरफ मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि ये लास्ट चांस है, क्योंकि इतनी प्राइसिंग दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, S23 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन इसके अलावा फिलहाल यहाँ पे किसी और आईफोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। बाकी नथिंग फोन 2A और 2A प्लस के ऊपर भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम Amazon के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर तो सेल ऑलरेडी चल रही है। कार्ड डिस्काउंट की बात करें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं ICICI, एक्सिस, बॉब कार्ड और IDFC के ऊपर। बाकी यहाँ पे मैकबुक एयर के ऊपर अच्छे प्राइस ड्रॉप चल रहे हैं, वैसे ये 54,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन स्टिल यहाँ पे 56 के अंदर भी काफी अच्छी प्राइसिंग है मैकबुक एयर M1 वाले के ऊपर। लेकिन आईफोन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आईफोन 13 को ही ऑफर कर रहा है Amazon, जैसा कि पहले भी हमने देखा था, और प्राइसिंग यहाँ पर अब बढ़ चुकी है बिना कार्ड डिस्काउंट के 42999, और कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 40,499 रुपीज है। स्टिल यहाँ पर लिख रहे हैं लास्ट चांस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था ये डिसकंटिन्यूड आईफोन है और अब आपको आईफोन 13 के ऊपर इतनी ज्यादा अच्छी डील्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी, ये लास्ट ही सेल है। वैसे तो देखो कल परसों तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है 39999 की चल रही थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ा दी है, तो वैसे तो मैं आपको कहूंगा अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आईफोन 14 प्लस तो वैसे भी यहाँ पर कहीं भी हमें नहीं मिल रहे, तो या तो आपको आईफोन 13 ही परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़े से और पैसे डाल सकते हो तो आईफोन 15 की तरफ जाओ, लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। बाकी जैसे यहाँ पर कोई अपडेट्स आते हैं कार्ड डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर प्राइसिंग जो है रिवील होती है, सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आपको वीडियो नेटवर्क पर ही बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।